सर्दियों में भी गहराया पानी का संकट, पेयजल समस्या पर महिलाओं का फूटा आक्रोश, मटका लहराकर किया विरोध प्रदर्शन। नंदेरा बांदीकुई उपखंड के अणत्या की ढाणी नंदेरा में व्याप्त पानी की समस्या को लेकर रविवार को महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साई महिलाओं ने हाथों में मटके लहराकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। मीना देवी एवं पूजा देवी सैनी ने बताया कि ढाणी में एक भी सरकारी जल स्रोत नहीं है, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ममता देवी सैनी ने बताया कि ढाणी में लगभग 500 लोग रहते हैं एवं 200 मवेशियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुमन सैनी ने बताया कि महंगे दामों में टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं, जिसके चलते माली हालात खराब हो गई है। ढाणी की महिलाओं ने बताया कि 15 दिन में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन आंदोलन पर उतारू होना पड़ेगा। बाईट ग्रामीण महिलाएं, अंत्यक ढाणी है, इसमें पानी समस्या है, महंगे महंगे टैंकर आते हैं फिर भी हमारे पार नहीं पड़ती है। 500 लोग हैं इस मोहल्ले में और कोई पानी को उपलब्ध नहीं है, सरकारी कोई साधन नहीं है और परेशान है सब लोग इस मोहल्ले में। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया तो हम आंदोलन चालू कर देंगे और बड़ा आगे हम परेशान हो जाएंगे। बहुत परेशान है हम इस मोहल्ले में और बीमारियां लग रही, कोरोना लग रहा है। आपका नाम? मीना सैनी। ढाणी में 500 लोग हैं जो पानी बिना बहुत दुख पात लिया है और कोई सरकार ने हमारे लिए कोई सुविधा नहीं करी पानी, और अब हमारे पानी आना चाहिए 600 को 700 का टैंक डला जिससे पार नहीं पड़ रहे। कोरोना में कोई कौन जावा दे, सब बीमार से डर पीछी ही, तो इसीलिए अब हमको तो पानी चाहिए और काई भी कौन हमारे सुविधा। हम तो कहूँगा पानी भी।